हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार न्यूज़। मेरा नाम है ऋषभ और हर बार की तरह आज भी मैं आपके लिए एक अमेजिंग अपडेट लेकर आया हूँ। आज का टॉपिक है किया सेल्टोस के 37 कनेक्टेड फीचर्स के बारे में। मैं आपको एक एक फीचर बताने वाला हूँ और ये भी बताऊँगा कि वो फीचर एक्चुअली करता क्या और उसे आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि किया सेल्टोस से जुड़ी हर एक वीडियो, चाहे उसकी लीक्ड इन्फॉर्मेशन हो, चाहे उसकी प्राइसिंग हो, चाहे उसके फीचर्स हो, चाहे उसके वेरिएंट्स हो, चाहे उसके एक्सक्लूसिव फोटोज़ हैं, वो भी आपको कहाँ मिलती हैं, यहाँ मिलती हैं। तो इस बात पे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में मैं आपके लिए किया सेल्टोस का वॉक अराउंड, टेस्ट ड्राइव वीडियोज़, रिव्यूज़, कंपेरिजन्स बहुत कुछ लाने वाला हूं। तो बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है किया सेल्टोस के 37 कनेक्टेड फीचर्स के बारे में, तो वही डिस्कस करने वाले हैं हम। अब शुरू करते हैं इसके 37 कनेक्टेड फीचर्स के साथ, जो हमारा आज का मेजर टॉपिक है। मैं आपको बता दूं कि इसमें पहले किया सेल्टोस के जो ये टेक्नोलॉजी वाले फीचर्स आने वाले हैं, उसका नाम यूवो कनेक्ट रखा गया है। जैसे वेन्यू में रखा गया ब्लू लिंक, एमजी में अगर हम हेक्ट्रो में बात करें तो आई स्मार्ट फीचर्स हैं, इसी तरह से इसमें रखा गया नाम इसका यूवो कनेक्ट। इसी में आपको कौन से फीचर्स मिल जाते हैं ये बताना बहुत ज़रूरी है। पहला फीचर, लाइव कार ट्रैकिंग। ऑब्वियसली बड़ा ईजी है समझना, गाड़ी को आप लाइव ट्रैक कर सकते हैं। जैसे आपका जोमेटो या स्विगी पे कोई ऑर्डर आप मंगवाते हैं, टैक्सी कोई बुक करते हैं, ओला उबर से किसी से भी, तो आपके फ़ोन पे एग्जैक्ट लोकेशन आ जाती है गाड़ी की। उसी तरह आप ये अपनी किया सेल्टोस को भी ट्रैक कर पाएंगे। साथ में है सेकंड आ जाती कार लोकेशन शेयरिंग। अपनी गाड़ी की लोकेशन को शेयर करना हो किसी और के साथ तो आप उसे भी शेयर कर सकते हैं फ्रॉम योर ऐप एंड फ्रॉम दैट इंफोटेनमेंट डिस्प्ले एज वेल। वहां पर भी शेयर की ऑप्शन आ जाएगी, फिर वहां से आप उसे शेयर कर सकते हैं। फिर आ जाता है सेंड डेस्टिनेशन रूट टू कार। जैसे आपने एक डेस्टिनेशन सेट की अपने फ़ोन पे, मैप्स पे कह लो या उसको किसी डिवाइस पे, टैबलेट पे वगैरह की, तो आप उसको डायरेक्टली अपनी किया सेल्टोस के साथ शेयर कर सकते हैं, रैदर देन ऑल टुगेदर आप किया सेल्टोस की इन्फोटेनमेंट पे दोबारा उसको टाइप करके सर्च कर रहे हैं मोबाइल पे सर्च के, यहाँ से उधर सेंड, साथ ही रूट आपका वहाँ पर नेविगेशन सारी शो होने लग जाएगी, दैट टू वायरलेसली। ज़रूरी नहीं कि आपका फ़ोन उस टाइम पे उसके साथ कनेक्टेड हो। फिर आ जाता है फोर्थ, डेस्टिनेशन सेट विद शेड्यूल। शेड्यूल के अकॉर्डिंगली भी आप डेस्टिनेशन सेट कर सकते हैं कि जैसे अगर आप घर का रेगुलर टाइम है कि सुबह आपने 9 बजे ऑफिस जाना ही है, उसका रूट आपके लिए लाइव ट्रैफिक के साथ जानना बहुत ज़रूरी है कि इस रूट पे ट्रैफिक तो नहीं है, तो गाड़ी पे ऑलरेडी आप सेट कर सकते हैं कि 9 बजे मेरे पास यहाँ पर नेविगेशन शो हो जाए, मेरा रूट शो हो जाए फॉर दी ऑफिस, तो वो आपके लिए बड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा कि आप गाड़ी में बैठे हैं, साथ के साथ ही आपको प्रॉपर गाइड कर देगी गाड़ी कि आपका ये वाला रूट जो यूजुअल रूट है इसमें बिजी है, ट्रैफिक है, कंस्ट्रक्शन है, कुछ भी, एंड आपको एक अल्टरनेटिव रूट सजेस्ट कर देगी। तो ये भी एक कमाल की बात है क्योंकि इसमें लाइव ट्रैफिक इन्फॉर्मेशन आ जाती है, और वही हमारा अगला पॉइंट है, लाइव ट्रैफिक इन्फॉर्मेशन। आप कहीं पे भी नेविगेशन जाते हैं तो नॉर्मली हम अपने मोबाइल पे, अगर फ़ोन पे हम अपना नेविगेट करते हैं या किसी रूट पे जाते हैं तो आपको लाइव ट्रैफिक शो होता है। उसी तरह से बिकॉज इसमें एक सिम डलेगा, 4G सिम डलेगा, ई सिम होगा एम्बेडेड ऑलरेडी, तो उसमें मैं आपको बता दूं कि उसकी वजह से इंटरनेट से कनेक्टेड रहेगी गाड़ी, तो लाइव ट्रैफिक आपको मिलता रहेगा कि कहां पर कितना ट्रैफिक है, कोई कंस्ट्रक्शन है या नहीं, और एग्जैक्ट एक्यूरेट टाइम भी। अगला आ जाता है डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन सर्च। ये भी उसी तरह है कि आप अपनी डेस्टिनेशन वहाँ पर सर्च कर सकते हो, और ये इसका अच्छी चीज़ ये है कि रेगुलरली ना डेस्टिनेशंस इसमें ऐड होती रहती हैं, बिकॉज क्या है कि अगर आप इनबिल्ट नेविगेशन वाला कोई सॉफ्टवेयर लेते हैं फ्रॉम अनदर कंपनी जो कनेक्टेड कार नहीं है, तो उसमें जो उस टाइम तक की डेस्टिनेशंस थी, सपोज इस रोड पे एक होटल था वो पहले नहीं था, अब गाड़ी लेने के बाद आया, तो वो आपके मैप्स पे भी उसके बाद आ जाएगा। तो ये एक कमाल की बात है कि लाइव अपडेट आपको उसी तरह के अपडेट मिलते रहेंगे नेविगेशन में भी। फिर आ जाता है, काफ़ी सारे फीचर्स है, टाइम लगेगा, डेस्टिनेशन शेयरिंग फ्रॉम द कार। गाड़ी में आप डेस्टिनेशन सर्च कर चुके हैं, उसको आप अपने मोबाइल पे शिफ्ट करना चाहते हैं वो भी हो जाएगा, कि आप अपनी गाड़ी वहाँ नहीं लेके जाना चाहते या उस रोड पे गाड़ी नहीं जा सकती, नेविगेट आप आगे भी करना चाहते हैं, तो वो आपके मोबाइल पे या फेलो मेंबर के मोबाइल जो आपके साथ है वहाँ पर भी आप उसे शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा सारे फीचर्स को कम से कम समय में आपके साथ शेयर करूँ। फाइंड माई कार, वेरी सिंपल, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि जैसे इसमें लाइव कार ट्रैकिंग है तो फाइंड माई कार भी आप कर सकते हैं, तो आप अपने फ़ोन से करेंगे तो वो बीप करना शुरू हो जाएगी कि यहाँ पर मेरी गाड़ी पार्किंग में एक बार गुम हो जाती है। एंड इनफैक्ट मुझे लगता है काफ़ी सारी सेल्टोस सेल होने वाली हैं, तो पार्किंग में भी आपको काफ़ी सारी सेल्टोस खड़ी मिलेगी, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इसके बाकी फीचर्स की, तो रिमोट इंजन स्टार्ट स्टॉप जैसे कि आपको वेन्यू में मिल जाता है, लेकिन वेन्यू की तरह ये भी सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ही अवेलेबल होगा। उसके बाद आता है रिमोट एयर प्योरीफायर ऑन। अब ये थोड़ा सा सोचना है कि ये ऑटोमेटिक में भी होगा और मैनुअल में भी होगा या फिर सिर्फ ऑटोमेटिक में ही होगा, बिकॉज एयर प्योरीफायर इनका सिस्टम एम्बेडेड, मतलब उसकी बैटरी के साथ कनेक्टेड है गाड़ी के साथ, तो अगर गाड़ी ऑन नहीं होगी तो प्योरीफायर ऑन होगा या नहीं ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बताऊं, अगला आ जाता है रिमोट एसी कंट्रोल। ये भी सेम आ जाता है कि ऑटोमेटिक में ही होगा मेरे हिसाब से, बिकॉज एसी कंट्रोल होने के लिए गाड़ी का इंजन स्टार्ट होना बहुत ज़रूरी है।
उसके अलावा है रिमोट डोर अनलॉक एंड लॉक, वो भी आपके फ़ोन से हो जाएगा। हॉर्न एंड लाइट कंट्रोल, वो भी फ़ोन से हो जाएगा। व्हीकल स्टेटस फ़ोन पे ही आ जाएगा। यूवो कनेक्ट इसकी ऐप आती है, उस पर सारा कुछ आएगा। फ्यूल लेवल इन्फॉर्मेशन, टायर प्रेशर स्टेटस, छोटे छोटे पॉइंट्स जल्दी कवर हो जाएंगे। ऑटो कोलिजन नोटिफिकेशन, इसका क्या है कि इसमें सपोज आपकी गाड़ी पार्किंग में खड़ी है, कोई हिट कर गया उसको, तो आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ जाएगी गाड़ी पे कोई हिट करके गया है। अगला आ जाता है जो 18th है, वो है SOS, एमरजेंसी असिस्टेंस। कोई भी आपको दिक्कत लगती है, चाहे वो गाड़ी के साथ हो, चाहे वो आपके साथ कोई पर्सनल हेल्थ इशू हो, कोई आपको सही नहीं लग रहा, नॉशियस लग रहा है, ज़्यादा देर ड्राइविंग कर रहे, सिर्फ कुछ भी है, तो आप उस टाइम पे बटन दबा सकते हैं और आपके एमरजेंसी असिस्टेंस आपके लिए वहाँ पर हाजिर होगी। एक तरह कॉल चली जाती है इनके कॉल सेंटर पर जो 24/7 डेज है, तो वो एक कमाल की बात है। 365 डेज भी होगा, नो हॉलीडेज। रोड साइड असिस्टेंस ये सब जानते ही हैं। पैनिक नोटिफिकेशन ये भी वहीं पे। स्टोलन व्हीकल नोटिफिकेशन, गाड़ी चोरी होती है उसकी नोटिफिकेशन, उसको ट्रैक करना और अपने फ़ोन से उस गाड़ी को इंजन भी बंद करना। अब ये वाला मैनुअल ट्रांसमिशन में भी वैलिड होगा, मैं आपको बता दूं। और जियो फेंसिंग अलर्ट भी आप जो लोग वेन्यू के बारे में थोड़ा जानते हैं, कनेक्टेड कार्स के बारे में जानते हैं, उनके लिए जानना बहुत ईजी है कि जियो फेंसिंग अलर्ट में क्या है कि आप एक एरिया डेजिग्नेट कर सकते हो कि इस एरिया से ज़्यादा दूर गाड़ी नहीं जानी चाहिए। सपोज आप अपने बच्चे को दे रहे हो, ड्राइवर को दे रहे हो, किसी फ्रेंड को भी दे रहे हो, किसी रिलेटिव को दे रहे हो, तो गाड़ी का आपने सेट कर दिया कि सपोज़ ये सिर्फ दिल्ली सिटी में रहे, दिल्ली सिटी से आगे ना जाए, तो आपने वो जियो फेंस लगा दी, उससे आगे जाएगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी फ़ोन पे। इसके बाद आ जाता है टाइम फेंसिंग, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, एक घंटा, कि इससे ज़्यादा गाड़ी ना चले अगर कोई और चला रहा है, अगर आपका फ़ोन उसके पास नहीं है तो आपने सेट कर दिया कि एक घंटे से ज़्यादा ये गाड़ी ना चले, वो एक घंटा ही चलेगी। उसके बाद आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, यानी कि उसी वक्त एकदम से बंद हो जाएगी, पहले आपको नोटिफिकेशन आएगी तो आप उस अकॉर्डिंगली पर्सन से फ़ोन पर बात कर सकते हैं। बंद भी कर सकते हो इंजन उसका, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए थोड़ा एक्सीडेंटल हो जाता है और कुछ नहीं है। स्पीड अलर्ट बड़ा सिंपल है। वैले अलर्ट, वैले में भी यही है कि वैले पे आपने क्लिक कर दिया, आप गाड़ी वैले वाले को दे रहे हो, ज़्यादा दूर गाड़ी ना लेके जाए, ज़्यादा देर गाड़ी को ऑन ना रखे, ज़्यादा स्पीड वगैरह ना दे, यू नो, अपनी मस्ती ना मारे उसके साथ, उसकी नोटिफिकेशन भी आपके फ़ोन पे आ जाएगी। आइडल अलर्ट, गाड़ी आइडल सिचुएशन में, मतलब यानी कि इंजन ऑन में, एसी ऑन में कितनी देर ऐसी ही खड़ी हुई है, वो भी आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी साथ साथ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो है ही वॉइस कमांड्स के साथ, स्मार्ट प्योर एयर भी है। कॉल सेंटर असिस्टेंस नेविगेशन, अगर आपको कहीं जाना है, आपको नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या टाइप करूं, कैसे करूं, तो आप कॉल सेंटर कॉल कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि मेरे को एक्स वाई जेड जगह जाना है, तो वो जो नेविगेशन है वो आपको ऑन फोन भी बता देंगे, साथ में साथ आपको आपकी स्क्रीन पे भी वो वहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं टू योर स्क्रीन कि यहाँ पर आप नेविगेशन पे लेफ्ट राइट इतने किलोमीटर्स रहते हैं, इतने बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये एक कमाल की बात है, काफ़ी हेल्पफुल है जो ज़्यादा मतलब टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर पाते हैं और एक इंफोटेनमेंट डिस्प्ले यूज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन कॉल करके वो पूछ सकते हैं। थक गया मैं। अब आता है शेयर माई ऐप। शेयर माई ऐप में भी अपनी एप्लीकेशन आप शेयर कर सकते हैं। ट्रिप इन्फॉर्मेशन, ड्राइवर बिहेवियर, इसमें आ जाता है कि आपका कैसा, कितने किलोमीटर टोटल ट्रैवल किया, कितनी एवरेज स्पीड, ब्रेक कितनी बार लगाई, एंड बहुत कुछ, लिटरली बहुत कुछ। ड्राइविंग बिहेवियर, कि आप कितना एक्सप्रेट किया आपने, कितनी अच्छी चलाई गाड़ी। व्हीकल हेल्थ रिपोर्ट, इसमें भी आता है कि उसकी सर्विसिंग ड्यू है, इंजन ऑयल वगैरह, ब्रेक फ्लूइड, ये सब आ जाता है। ऑटो डायग्नोस अलर्ट, इसमें भी है कि आप देखने डायग्नोस्टिक्स हो जाते हैं गाड़ी के, वो भी आपको नोटिफिकेशन आ जाती है। मैनुअल की भी आपको नोटिफिकेशन आती है और मेंटेनेंस अलर्ट भी आ जाता है। तो ये थे सारे इसके 37 कनेक्टेड फीचर्स। मेंटेनेंस अलर्ट आप समझ ही सकते हैं कि जब आपकी सर्विस ड्यू होगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, और ये आपके फ़ोन पे भी आएगी और ये आपके जो इंफोटेनमेंट डिस्प्ले भी है, तभी इसको स्मार्ट कहा गया कि ये मल्टीपल डिवाइसेस के साथ एक ही टाइम पे कनेक्टेड है। इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होने की वजह से आपको रियल टाइम नोटिफिकेशंस आती रहेंगी, सिर्फ ही सिर्फ इंफोटेनमेंट भी नहीं रहेगी, बिकॉज टायरट्रॉनिक्स वगैरह तो इंफोटेनमेंट पे भी आ जाता है, लेकिन मोबाइल पे आने के लिए आपको उस गाड़ी के पास होना पड़ता है और उसको ब्लूटूथ से आपको कनेक्ट करना पड़ता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा क्योंकि इंटरनेट से कनेक्टेड होगी, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में, आपको सारी नोटिफिकेशन आप ही के फ़ोन में आती रहेगी। तो ये एक कमाल की बात है। उम्मीद है आपके सारे क्वेश्चन, आपको ये सारे फीचर्स समझ आ गए होंगे, फिर भी कोई रह गया तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली जवाब भी दे दूंगा। इनफैक्ट किया सेल्टोस के बारे में कुछ भी जानने के लिए नीचे कमेंट ज़रूर कर दें, मैं आपको सारे आपके सारे सवालों का खुद ही जवाब दूंगा। मेरी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी सेल्टोस के सारी क्वेरीज कंप्लीट करने के लिए। इनफैक्ट किसी भी गाड़ी को लेकर अगर आप कन्फ्यूज रहे, कोई गाड़ी परचेज करना चाहते हैं, अंडर 5 लाख, 10 लाख, सेडान, पेट्रोल, डीजल, हैचबैक, SUV, 20 लाख, 50 लाख का भी अगर आपका बजट है, तब भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे कमेंट कर दें, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं जिसका नंबर यहाँ पर शो हो जाएगा 6283088441। तो यहाँ पर मैं आपके सारे क्वेरीज भी आंसर दूंगा, आपके साथ मैं फ़ोन पे बात भी करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपके लिए परफेक्ट गाड़ी कौन सी रहेगी, डिपेंडिंग अपॉन योर फैमिली साइज, योर मंथली किलोमीटर्स, आपकी सिटी कंडीशंस, आपके हाईवे की कंडीशन क्या है, आप कितना सिटी में चलाते हैं, कितना हाईवे में चलाते हैं,
साथ में हम नोट करेंगे कि आपका ड्राइविंग बिहेवियर कैसा है, आपको स्लो चाहिए, माइलेज ज़्यादा चाहिए या फिर आपको परफेक्ट इंजन चाहिए जो अच्छी आपको पावर दे सके, टॉर्क दे सके, पिकअप भी अच्छी दे सके। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए हम एक गाड़ी सजेस्ट करेंगे और वो उम्मीद है कि आप, हाँ इनफैक्ट हम बहुत सारी सिटीज़ में टेस्ट ड्राइव्स भी अरेंज करा सकते हैं। तो उम्मीद है आपके सारे जो ईज़ है एक गाड़ी को लेने के लिए, जितनी भी प्रॉब्लम आती है वो सारी आपके लिए खत्म हो जाएगी। हम आपकी पूरी हेल्प करने वाले हैं इस चीज़ को, तो इस बात पे एक लाइक भी बनता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कुछ इसी तरह की लेटेस्ट कार्स की न्यूज़, ऑफर्स, टेस्ट ड्राइव, एक्सेसरीज, कंपैरिजन तो आते ही रहेंगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो किस बात का वेट करें, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।